का प्रदर्शन कांग्रेस की छात्र यूनिट छात्र विंग एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया है। पुलिस कमिश्नर को प्रदर्शनकारी चूड़ियां देने जा रहे थे। एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रही। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रही जिन्होंने यहां महिला प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका है। ड्रग्स मामले में कांग्रेस का यह प्रदर्शन, कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई यहां सड़कों पर उतरी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर यहां पर नजर आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहां पर मौजूद है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, आज चूड़ी लेकर जा रहे हैं, क्या वजह? देखिए, जिस प्रकार से जो है बीजेपी की सरकार में पुलिस प्रशासन की आंखों के नीचे जो है इतना बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ाया है, हमारा मानना है कि इनकी मिलीभगत से हो रहा था, इसलिए हम चूड़ी भेंट करने जा रहे हैं और कमिश्नर को बोलने जा रहे हैं कि वे घर पे बैठे, क्योंकि उनसे ये काम हो नहीं रहा है। तो देखिए, कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और इसलिए जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चूड़ियां लेकर कमिश्नरेट कार्यालय जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग सड़कों पर ये पूरे जो संघर्ष है वो जारी रखेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के एनएसयूआई के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनकी और पुलिस के बीच यहाँ पे जो झड़प है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में चाहे महिला अपराध हो या फिर ड्रग्स की बात हो, लगातार अब इन मुद्दों को लेकर सियासत गर्माई हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आपने नारेबाजी भी सुनी अभी थोड़ी देर पहले। वासु चौरे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी और वासु चौरे अब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अभी वहां पर क्या स्थिति है, जरा बताएं, रिपोर्ट तो आपके दर्शकों ने देखी ली है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। पहले महिला अपराधों का मामला सामने आया, उसके बाद अब जिस तरीके से ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री भोपाल में पकड़ाई और वो भी कार्रवाई जो है वो दूसरे स्टेट्स की एजेंसीज के द्वारा की गई, इसको लेकर अब कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आज एनएसयूआई ने भोपाल में एक प्रोटेस्ट किया, पीसीसी से कमिश्नर कार्यालय की तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, हाथों में चूड़ियां लेकर पुलिस को चूड़ियां देने जो है वो कार्यकर्ता जा रहे थे। उनका ये कहना था कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पुलिस से संभल नहीं रही है, इसलिए हम लोग ये चूड़ियां भेंट करने जा रहे हैं। आज पूरा यूथ इस ड्रग्स की चपेट में आ सकता था, अगर इतना ड्रग्स मार्केट में आ जाता तो इससे कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, तमाम सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से एनएसयूआई की ओर से खड़े किए गए। हालांकि जो पुलिस है वहां पर भारी बैरिकेडिंग की गई और पुलिस ने पहले ही एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया, कमिश्नर ऑफिस तक उन्हें नहीं जाने दिया और वहां पर थोड़ी सी झड़प जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी देखने को मिली और उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब तक कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती, चीजें बेहतर नहीं हो जाती, जब तक युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि वो सुरक्षित हाथों में है, तब तक हम लोग इसी तरीके से धरने प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार आए दिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार पर काफी हमलावर भी है और हर मंच से कांग्रेस के नेता मुखर हैं और तेज स्वरों में सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव अभी नजदीक नहीं है, हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं, अगले चार साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है, चाहे विधानसभा या लोकसभा की बात करें, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है वो जमकर गरमाई हुई है। कांग्रेस विपक्ष के नाते लगातार सरकार को घेरने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, जो भी मुद्दा आता है, चाहे आदिवासियों का हो, महिलाओं का हो,
ड्रग्स से जुड़ा हुआ हो, युवाओं का मुद्दा हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जमकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर ये बताया जाए कि कांग्रेस जिंदा है और हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी का मन बना चुके हैं। ये प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले हमने देखा जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सारे आरोप जो है केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों तक लगा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से कल बाहर की एजेंसीज आई और भोपाल में रेड मारकर बड़ी कार्रवाई करके गई है, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और तय मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस तरीके की जो स्थिति है, जो हालात है वो बने रहने वाले हैं।